हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू अबाउट द इकोनॉमी सेशन अंडर सिद्धि सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमी में, वो रहेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर। और जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो सेशन है, एग्रीकल्चर जो पूरा पोर्शन था, वो हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है हमारी सिद्धि सीरीज के अंडर। और आज सबसे पहले तो अगर मैं देखूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो जैसा कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा था कि उसको किन किन पोर्शंस में सेग्रीगेट कर सकते हैं, तो इन द सेम वे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको भी अगर आप एनालिसिस करते हो फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स, तो उसके भी आपके दो या तीन जो है सब डिविजन्स बन के सामने आती हैं। ठीक। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फ्रेंड्स बात कर ली जाए, तो एक तो वो क्वेश्चन है जो टाइप होती है आपकी PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर UPSC हर साल मान के चलिए एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगी ही पूछेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वो आपका है PPP मॉडल के ऊपर। क्लियर। अब दूसरा जो निकल के आता है सब टॉपिक, मतलब क्या हो सकता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट FDI। ठीक है। तो दूसरा जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, के इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन। और जो तीसरे क्वेश्चंस हैं, देखिए ये आपके डायनेमिक क्वेश्चंस में का पार्ट बन सकता है कि PPP मॉडल के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक। और ये भी, और एक ऐसा पोर्शन है जो आपकी स्टैटिक जो नॉलेज है टॉपिक के बारे में उसको कवर करता है, दैट इज अगर बात की जाए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, लाइक इस पोर्शन में क्या कुछ कवर होता है, जैसे कि आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है ना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आ गया, आपके जो भी इस तरह की गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जितना भी पूरा के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया, अर्बन मिशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आपके SDGs जो हैं उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये सारे टॉपिक जो आपके स्टैटिक का पार्ट है और जो आपकी नॉलेज शो करते हैं कि आपको अभी करंट की कितनी नॉलेज है, ठीक है ना, वो सारे टॉपिक आपके इन क्वेश्चंस के अंडर कवर किए जाते हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कर ली जाए, जो अभी, ठीक है, अभी लास्ट जो आपका बजट आया था उसमें उसकी बात की गई थी, तो ऐसे सारे टॉपिक जो है वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अंडर कवर किए जाते हैं। और जितने अभी आपको पता है कि क्या हाईवे प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, या जो भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, कोई पोर्ट डेवलप करना है, कोई एयरपोर्ट डेवलप करना है, तो वो कहाँ पे होते हैं, आपके PPP मॉडल के अंडर। क्लियर। तो ये तीन टॉपिक्स हैं, तीन हेडिंग्स हैं। अब जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करोगे, तो आपको इन तीनों में सेग्रीगेट करके इसको तैयार करना है, इस पोर्शन को। ठीक। और अगर सबसे पहली बात कर ली जाए आज की, तो आज हम ये टॉपिक जो है आपसे डिस्कस कर रहे हैं PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। ठीक। ये क्वेश्चन है आपका 2013 में, UPSC आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2013, 10 मार्कर, 200 वर्ड्स। क्लियर। द क्वेश्चन इज adoption of PPP model for infrastructure development of the country has not been free of criticism. critically discuss, मतलब आपको पॉजिटिव भी बताना है और आपको नेगेटिव भी बताना है, दोनों चीजों पे बैलेंस आउट। critically discuss the pros and cons, ये यहां पे पूछ ही लिया, इसके बेनिफिट और इसके नुकसान, वो दोनों चीज़ें आपको एनालिसिस उसका करना है ऑफ दिस मॉडल। तो अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही एक सिंपल सा और सीधा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें आपको मेनली क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको पता होना चाहिए PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता क्या है। ठीक। और इसके साथ साथ आपको इस पेपर में, इस क्वेश्चन में ना, आपको आपके करंट की नॉलेज काम करेगी। वो कैसे, अब देखिए यहाँ पे आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो इसको, मैं अगर स्टार्ट करूँ तो इसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो आपका इंट्रो पार्ट आएगा इसमें,
इंट्रो पार्ट में आपको क्या करना है, यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है क्या, ठीक है। आप इंट्रो में 3 से 4 लाइंस में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है इसको डिफाइन करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों ने, क्लियर। अब ये हो गया, क्योंकि यहां पे देखिए अगर हम देखा जाए तो इसमें कीवर्ड्स क्या है हमारे, एक तो पीपीपी मॉडल, क्रिटिकली डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किस चीज से किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने बता दिया कि अब क्या होती है। अब जैसे ही आपने बताया तो उसके बाद अगला पोर्शन, अगला क्या होगा, वो होगा व्हाट आर द प्रोज या बेनिफिट्स, ठीक है। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप बता रहे हो तो पूछा क्या गया है आपसे, एक तो क्रिटिकली डिस्कस करना है। क्रिटिकली डिस्कस मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वो बाय चांस क्या हुआ इस पोर्शन में वही आपसे पूछा गया है, ठीक। अब अगर प्रोज की बात करनी है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि पीपीपी मॉडल के प्रोज क्या है। अगर मैं एक दो की बात करूँ तो सबसे पहले तो स्पीड, ठीक। स्पीड मीन्स कि अगर आप पीपीपी मॉडल के थ्रू डेवलप करना स्टार्ट करते हो तो स्पीड आपकी काफ़ी बढ़ जाती है, टाइम ड्यूरेशन जो है, या स्पीड या मैं कहूँगा टाइम ड्यूरेशन, ये बहुत कम हो जाती है, ठीक। दूसरा क्या है जी, दूसरा क्या है, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन या हाई कॉम्पिटिशन होगा क्वालिटी। अब देखिए पीपीपी मॉडल है अगर तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो आपको पता है कि क्या होता था पहले, आपकी सड़कें हैं कहीं से टूटी हुई है, कोई उसको रिपेयर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब आपके हाईवेज बन रहे हैं किसके अंडर, पीपीपी मॉडल के अंडर, ठीक। तो उसकी रिपेयर भी टाइमली होती है, तो मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। दूसरा कॉम्पिटिशन, देर इज हाई कॉम्पिटिशन, पता है मार्केट में इतनी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, तो वो क्या होगा, उसकी प्राइस जो है लोएस्ट प्राइस जो उसकी होगी, बिडिंग होगी लोएस्ट होगी, प्राइस कम रखा जाएगा और उसके साथ साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाएगा। तो मतलब क्या है, अगर हम प्रोज की बात देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोज आप दिखा सकते हो, ठीक। अब सब स्टूडेंट्स प्रोज भी बताएंगे, अगर कॉन्स की बात कर ली जाए तो कॉन्स की बात क्या है, सबसे पहले तो अगर आपकी बात आ गई जी करप्शन की, ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है पीपीपी मॉडल्स में। क्या माना जाता है कि जो भी पीपीपी मॉडल है वो करप्शन जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता है, या कोई मिनिस्टर का अपने घर का बंदा है या उसकी अपनी कंपनी है, तो मतलब करप्शन इज द बिगेस्ट इशू इन द पीपीपी मॉडल, ठीक। और उसके बाद लैंड एक्विजिशन अगर बात कर ली जाए, लैंड एक्विजिशन का इशू है, तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो मैं कॉन्स और प्रोज नंबर ऑफ, अगर मैं 5-6 इधर लिख दूँ, 5-6 इधर लिख दूँ, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। बट अब यहीं पे एक कैंडिडेट, वो देखिए ये सारे प्रोज एंड कॉन्स सब लिखेंगे, बट डिफरेंस कहाँ पे होगा, एक कैंडिडेट है जिसको 10 में से 6 मार्क्स भी मिलेंगे, 7 भी मिलेंगे, और एक है जो ये सारे क्वेश्चन पॉइंट्स भी लिखे उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। द डिफरेंस इज, अगर मैं बात करता हूँ कॉम्पिटिशन की, देयर मस्ट बी एग्जाम्पल्स फॉर दिस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आप बताओगे, आप किसी भी एक या दो एक्स या वाई कंपनी का नाम लोगे, आप बताओगे कि दीज कंपनीज आर द मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ दिस फील्ड, ठीक है। और उसके बाद आप कहोगे, कोई एग्जाम्पल दोगे कि जैसे फॉर द एग्जाम्पल NH1, ठीक है। आप स्पीड की बात करोगे, टाइम ड्यूरेशन की, आप किसी ऐसे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करो, आप किसी ऐसे आपके हाईवे प्रोजेक्ट की बात करो जो टाइम से पहले या विद इन टाइम लिमिट उसको ख़त्म किया गया, और उसको आप दूसरा भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे NH1 की बात कर ली जाए, ठीक है। लैंड एक्विजिशन के अगर मुद्दे की बात कर रहा हूँ तो NH1 कई सालों से ये वैसे ही बंद पड़ा है, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे कॉस्ट एस्केलेशन का मुद्दा आ गया, तो ये कॉन्स में ही आपके कॉस्ट एस्केलेशन, कॉस्ट जो है आपकी इंक्रीज हो रही है, रीज़न बीइंग के टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो इनिशियल बिडिंग थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, कॉस्ट बढ़ चुकी है, अब जो बिडर है वो चाहता है कि उसको पहले उसको कॉम्पनसेट किया जाए तब वो चलाएगा। तो दैट मीन्स द डिफरेंसेस के जिन लोगों के पास तो एग्जांपल्स होंगी बताने के लिए, जिन लोगों के पास रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगी, उनके तो मार्क्स जो होंगे वो जाएंगे 6 से 7 की रेंज में, और जो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे, ठीक,
उनके मार्क्स रहेंगे 3 से 4 के बीच में। उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि ये तो हर एक बुकलेट में आपको मिल जाएगा, किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन में जाएंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। याद रखने वाली बात है क्या, यूपीएससी डिमांड क्या करती है आप लोगों से कि आप लोग रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने आप लोग एनालिसिस करना सीखिए, ठीक है। और एनालिसिस कैसे होगा, जब आप किसी एग्जांपल को किसी पॉइंट के साथ रिलेट कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉस्ट एस्केलेशन, ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई। अब मेरी एग्जांपल क्या होगी, NH1 की, ठीक है। तो दैट मींस मुझे पता है कि एक प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है और वो प्रोजेक्ट जो है PPP मॉडल के अंडर उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा। तो इन दिस वे अगर आप ये सारे प्रोसीजर्स को इस तरह से फुलफिल करते हो इन चीज़ों को, तब जाके आपके मार्क्स जो होंगे वो 5 के ऊपर क्रॉस कर पाएंगे। क्लियर। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अडॉप्शन ऑफ PPP मॉडल, हमने PPP को डिफाइन कर दिया, मॉडल फॉर द इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंट्री हैज नॉट बीन फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, ठीक। क्रिटिसिज्म के इश्यूज क्या हैं, क्लियर। प्रोज एंड कॉन्स की बात हो गई, कॉन्स मेनली, ठीक। क्रिटिकली डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मॉडल। अब जैसा हमने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर दिया, तो एक चीज मैं जैसे हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि एज अ सिविल सर्वेंट, आप मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, आपको पता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको पता है इसके क्या नुकसान हैं। अब एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ पब्लिक एम्प्लॉय, आपका फर्ज क्या बनता है, जो भी नेगेटिव्स हैं उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स देख के छोड़ देते हैं लिख के, ठीक। बट अगर आपको मार्क्स चाहिए मोर देन 5, मोर देन 6, तो व्हाट यू नीड टू कवर ओवर हियर इज, आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने के बाद वे फॉरवर्ड बताना है। वे फॉरवर्ड इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। और वे फॉरवर्ड क्या होगा, आप इन चीज़ों को फोकस कीजिए कि ये सारे मुद्दे जो हैं इश्यूज हैं और इन्हीं के लिए वे फॉरवर्ड। जैसे कि लैंड एक्विजिशन का है, तो अभी रिसेंटली कोई एक्ट आया है तो उसको आप इंक्लूड करोगे कि देखिए लैंड एक्विजिशन के लिए जो लेटेस्ट आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके अंडर क्या है, जितने भी आपके यहाँ जो आपके लेटेस्ट PPP मॉडल साइन हो रहे हैं उसमें है क्या, गवर्नमेंट जो है वो लैंड एक्वायर करके देगी प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन के कारण जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो ख़त्म हो गया मुद्दा। उसके बाद आप बात करोगे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल की, तो ये सारी चीज़ें जो है आप वे फॉरवर्ड में बताओगे और इसके साथ ही आप इस क्वेश्चन को वाइंड अप करोगे। क्लियर। तो मतलब क्या है, जो पूछा गया है, जो आपको दिख रहा है वो तो ये है जो आपने लिखा, बट एक स्टेप आगे जाना है, क्योंकि सिविल सर्वेंट आपको इसीलिए अपॉइंट किया जा रहा है कि आप उस चीज़ों के सोल्यूशन बता सको, ठीक है ना। तो वे फॉरवर्ड आप इसके बाद बताएंगे, देन आफ्टर यू विल कंक्लूड द क्वेश्चन। क्लियर। तो ये जो हमारा पोर्शन था आज का, जो हमारा डिस्कशन थी वो यही थी कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में किन किन पोर्शन में को हमने टारगेट करना है, ये 3 पोर्शन हमारे सामने निकल के आए, और दूसरा इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ही पूछा गया आपसे या नहीं पूछा गया, हर एक जो भी आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो किसी भी पेपर में किसी भी टॉपिक की, तो हमेशा उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप लोगों को ही बताने हैं। अगर आप लोग सोल्यूशन बताओगे तभी आपको वो मार्क्स मिल पाएंगे और वो जो आपसे एक्सपेक्टेड है तभी आप लोग उसको फुलफिल कर पाओगे। क्लियर। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप टूडेज सेशन, और जो आपके नेक्स्ट हमारे सेशन होंगे इकॉनमी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हम आगे बात करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के टॉपिक्स के ऊपर, और दूसरी बात करेंगे कोई भी ऐसा टॉपिक जो होगा गवर्नमेंट किसी भी इनिशिएटिव के ऊपर। क्लियर। सो विद दिस थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे आपसे। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।